अल्लाम वरमि वरम्बर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान अशरफी जामाई. दिल की अता गहराइयों से मैं आपका मशकूर हूँ कि आप फिर हमारे इजहाजर में तशरीफ़ लाए नाजरीन आज की इस पुरबहार मजिस में हमारे साथ हैं जाम अशरफ के नाजम तालीमत हजरत अलामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नरुलबारी अशरफ़ी जामई साहब की बिला आइए आज हम फिर उनसे अजान के मुत कुछ मालूम हासिल करते हैं जी मुफ्ती साहब कबिला आजान क्या है और आजान क्यों दी जाती है और उसकी शरी हैसियत क्या है बिसमिमदिल्लाबीआलमिलबिया देखिए अजान अवत नमाज की मालूमत के लिए जो अलफाज और कलिमात मस्जिद वग़ैरह से बुलंद की जाती हैं उसे अजान कहते हैं उसके ज़रिया लोगों को इतला होती है कि नमाज का वक्त हो चुका है अजान जहाँ एक अलान नमाज है वहीं इलाही भी है और इबादत भी है और अदीस में अजान की फजीलत मौजूद है उस पर शवाब अजीम की बशारत और ख़ुशखबरी दी गई है अजान की शरी हैसियत क्या है इस तल्ल से इतना अर्ज़ है कि मस्जिद में पाँचों वक्त जमात से पहले अजान सुनत मदरीबलवाजिब है और उसका तर्क करना बहुत ही बुरा है इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तक फ़रमाते हैं कि अगर किसी शहर के लोग अजान देना छोड़ दें तो मैं उनके साथ कताल करूँगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तूने फ़रमाया कि मोहल्ले की अजान काफ़ी होती है मुसाफिर को तरके अजान की इजाज़त तो है लेकिन अगर उसके साथ वो एक भी छोड़ दे तो फिर ये मकरू है तो ये अजान की शर् हैसियत है माशा अभी आपने कहा कि अजान पर सवाब अजीम की बेषारत और ख़ुशखबरी दी गई है इस तल्लक से हमारे इजहार तक के नाजरन को चंद अदीस बयान फरमाए देखिए अजान की फ़जीलत और मौज़िन की फजीलत दोनों हदीस के अंदर मौजूद है बल्कि यूँ कहा जाए कि मुआजन को जो फ़लोशरफ़ हासिल है वो अजान के सबब हासिल है एक हदीस है नबी करीम सल्हम ने फ़रमाया अजान की आवाज़ जहाँ तक जाती है मुआज़ि के लिए इतनी ही मगफ़रत वसी हो जाती है और जिस तर व खश्क यानी भीगी और सूखी चीज़ को ये आवाज़ पहुँचती है वो सब के सब अज़ान देने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करती है यह हदीस मुस्नद अहमद बज़ार और तबरानी में मौजूद है इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अज़ान बाइस मगफ़रत है मगफ़रत का ज़रिया है नजात का ज़रिया है एक दूसरी हदीस में हज़ूर ने सरशाद फरमाया कि समझ कर अज़ान देने वाला उस शहीद की तरह है जो अपने खून में लुथड़ा हुआ हो और जब वो मर जाता है तो अपने कब्रों में नहीं घूमता बल्कि जन्नत में जहाँ चाहता है घूमता है ये तबरानी की हदीस है एक और हदीस है कि क़यामत के दिन मुज़िनों की गर्दनें लंबी होंगी जो मुज़िन हजरात हैं उनकी गर्दनें लंबी, 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 लंबी होंगी और वो अपनी कब्रों में नहीं घूमेंगे यानी वो जन्नत में उसको हर जगह जाने की इजाज़त होगी ये हदीस मुसनफ़ अब्दुलरजाक के अंदर मौजूद है एक और हदीस है नबी करीम वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी गांव में अजान दी जाती है तो जहां कहीं अजान दी जाती है और उसकी आवाज़ पहुंचती है वो जगह उस दिन अजाब इलाही से महफूज हो जाती है और वो जगह उसके कुरबत के मुशाहत में होती है यह हदीस तबरानी के अंदर मौजूद है इसके अलावा एक और हदीस है हज़ूर सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि जब हज़रत आदम ही सलाम जन्नत से उतरे, उतरेत में कि सरंदीप वो हिंदुस्तान में आता है पहले इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि जब हज़रत आदम सलाम जन्नत से हिंदुस्तान में उतरे तो उन्हें घबराहट हुई उन्हें घबराहट हुई तो हज़रत सलाम ने उतर कर अज़ान दी और उनकी घबराहट दूर हुई इसका मतलब ये हुआ कि अजान इंसान को इतमान इतमिन और सुकून भी पहुँचाती है इसके अलावा एक हदीस और है हज़रत अमीरमिनज़रत अली करमल क़रीम से वो हदीस मरवी है वो फरमाते हैं कि हजूर सल्ला वम ने मुझे गमगीन देखा तो फ़रमायाली मैं तुझे गमगीन गमगीन पाता हूँ अपने किसी घर वाले से कह के तेरे कान में अजान कहे अजान गम और परेशानी को ख़त्म कर देती है यह हदीस फिरदौस के अंदर मौजूद है यह हदीस तो है लेकिन इस ताल्लुक़ से इमाम अहमद रजा ख़ान फाजिले बरेलवी ने अपनी किताब फ़तावा रजविया में एक बात नक़ल की है वो फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली और हज़रत मौला अली तक उस हदीस के जिस क़दर रावी हैं उन सब के बारे में ये फरमाया कि वो तमाम रावियों ने कहा कि हमने उसे तजर्बा किया तो ऐसा ही पाया मतलब अजान दी तो हमारी परेशानी और हमारी जो वो मुसीबत थी वो आसान हो गई वो दूर हो गई वो ख़त्म हो गई ये वो अहदीस हैं जिससे अजान और मुआजिन की फजीलत समझ में आती है इसलिए अजान देना एक बहुत बड़ा नेक काम है जारी जारी बहुत खूब मुफ्ती साहब कबिला जब अजान हो तो उस वक्त अजान सुनने वाले को क्या करना चाहिए जाहिर सी बात है कि जब अजान हो तो अजान की आवाज़ जू ही आए और जिसके कान में भी वो आवाज़ पहुँचे तो उस पर ये हुक्म है कि वो खामोश हो जाए अजान को ग़ौर से सुने और उसका जवाब दे उसका जवाब कैसे दे तो रवायतों में आया अदिस के अंदर मौजूद है कि अज़ान सुनने वाला अजान का जवाब उन्हीं कलेमात अजान को दोहरा कर दे जैसे मुअज़्ज़िन ने कहा अल्लाु अकबर अकबर अल्ला तो ये सुनने वाला उसी तरह अल्ला अकबर अल्लाकबर अकबर कह करके जवाब देगा पूरे अज़ान में लेकिन एक जगह है जहाँ पर हया अलह और हया अलफ़लाह इस ताल्लुक से हदीस में आया है कि वहाँ जवाब देने वाला लाहौला वला क़ूत अला बिल्लाज़ीम पढ़े लाहौला वला क़ूत अला बिल्ला पढ़े ये एक बात यहाँ पर समझने की है और थोड़ा अजीब अजीब सी लगती भी है कि मुजन कह रहा है हया अल नमाज़ की तरफ़ आइए मौज़्न आपको कह रहा है हया अलफ़ला कामयाबी की तरफ आइए और आप जवाब में क्या कह रहे हैं इल्ला बिल्ला एक समझने वाली बात है आदमी ये जुमला उस वक्त है अपनी ज़बान से अदा करता है जबकि कोई बुरी चीज़ हो या कोई बुरी बात की तरफ बुलाया जाए तो ये अला वला इल्ला बिल्ला के अल्फ़ाज निकलते हैं लेकिन यहाँ तो मुज़न नेक काम के लिए बुला रहा है अज़ान के ज़रिए से आपको नमाज़ के लिए बुला रहा है कामयाबी के लिए बुला रहा है और आप वहाँ अलावतः पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि जब मौज़न कहता है हया अल सलाह हया अलफ़ला तो उस वक्त शैतान सुनने वाले को अज़ान सुनने वाले को रोकता है शद्दो मत के साथ उसके दिल में तरह तरह के वसवसे और अज़ान से बेरगबती नमाज से बेरगबती पैदा करता है तो शैतान के इस मकरो फरेब को दूर करने के लिए ये पढ़ा जाता है लाहाउलावलाविलातः ला, हौला वला बिल्ला, ला हौला वला बिल्ला तो मुआजिन के उस दावा दावत खैर की वजह से नहीं बल्कि मौज़ि ने दावत अलखैर अच्छाई की तरफ़ बुलाया कामयाबी की तरफ़ बुलाया अब यह शैतान इंसान के पीछे पड़ा रहता है वो उसको रोकता है तो उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह दिया जाता है जवाब में तो ये अजान के जवाब हैं अजान के अज़ान का जवाब वही है जो अज़ान के अल्फाज हैं यही दो जगह जहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हुक्म आया है कि मुअज़्ज़िन भी और अजान सुनने वाला, वाला भी ये दोनों के दोनों दुआ पढ़ें अजान के बाद रवायतों में आता है कि जो दुआ अज़ान के बाद पढ़ी जाती है वो दुआ मकबूल होती है और उसकी दुआ अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआएँ मासूर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है अहादीस में वो क्या है दुआएँ मौजूद वो दुआ मौजूद है वो दुआ ये है अल्लाह मरबा दावती तम वसलातुल्क़ाइम व आति मोहम्मद अनिलवसी तवलफ़ीला वरतफ़ी व बादसूँ मक़ाम महमूदादी वत्त वज़ुकन शफ़ात हूँ योमलक़्याम इन न कला तख्ल फ़ुलमियात यह दुआ है इस दुआ को आदमी को पढ़ना चाहिए यह दुआ कबूल होती है और इनशा अज़ीज़ कल मैदान मह शर्म है जब हम हाज़िर होंगे तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अक्रम सम का वसीला और उनकी शफात हमें हासिल होगी माशा तो हजरत कुछ कुछ मकाम पर अजान के बाद सलात भी कहते हैं तो इसके बारे में क्या हुक्म है जी अजान के बाद बाज मकाम पर देखा गया कि असलातिका या अल्लाह कहते हैं कहीं कुछ कहीं कुछ कहते हैं इसे सलात कहते हैं उर्फ में और असला फ़िक्र में इसका नाम तस्वीब है नमा यानी अजान के बाद फिर दोबारा नमाज़ के लिए ऐलान करना और इतला करना यानी ये बताना मकसूद होता है कि जमात का वक्त करीब हो चुका है लिहाजा आप लोग मस्जिद आइए इस सलात और तस्वीर का ये मकसद है येमाय मुतान ने इसको जायज़ करार दिया है और इसको जहाँ ज़रूरत है इस बात इसको करने की तस्वीर को बजा लाने की तो लाना चाहिए असल में इसकी जो असल है लोग इस मसले पर काफ़ी शिद्दत बरतते हैं और नाजायज हराम और ना जाने क्या क्या कह डालते हैं लेकिन इसकी असल मौजूद है इसकी असल है फ़जर की अजान आप फजर की अजान पर गौर करें तो उसमें एक लफ्ज़ दो कलमे ऐसे हैं जो इजाफा है वो है असलात ख़ैरुमन तमाम पूरे पाँच वक्त की अज़ान में ये लफ्ज़ नहीं है लेकिन सिर्फ फजर की अजान में है असलात खैरुम मिनन्न न और इसका माना क्या होता है कि नमाज नींद से बेहतर है ये अल्फ़ाज़ उस वक्त क्यों कहे जाते हैं मुहदसिन ने शार ने इसकी वजह निकाली है वह बयान करते हैं चूँकि वह गफलत का वक्त होता है इंसान गफलत में रहता है मुमकिन है कि वो नींद के आगोश में फिर आ जाए और जो है वो नमाज़ को छोड़ दे इसलिए ये ऐलान किया जाता है अस्सलातु तो खैरुम तो ये अजान में एक ऐसा लफ्ज़ है जो अज़ान से हटकर है ये तस्वीब है यही से उसका सबूत मिलता है लिहाजा अब वो चीज़ जहाँ जहाँ पाई जाएगी मसलन कि अज़ान हुई लेकिन लोग गफलत बरत रहे हैं तो वहाँ पर सलाद के ज़रिए से लोगों की गफ़लत को दूर किया जाएगा और उसे रॉइज किया जाएगा लेकिन वहाँ जहाँ पर के लोग अजान ही से हाजिर हो जाते हैं मस्जिद के अंदर और उन्हें सलाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनमें कोई गफ़लत नहीं छाती तो फिर वहाँ राइज भी नहीं करनी है और इसका सबूत फिकही किताबों के अंदर आलमगिरी के अंदर मौजूद है हदाय के अंदर मौजूद है शामी दुर मुख्तार के अंदर मौजूद है कहा है कि ये चीज़ जायज़ है माशा बहुत खूब बहुत खूब नाजरीन, आज आप लोगों ने यह मालूम हासिल की है कि आज़ान क्या है और क्यों दी जाती है और उसकी शरी़ हैसित किया है तो नाजरीन, फिर हम इन इसी तरह के सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें अल्लाह हाफ़ अरहमल वर्का वाले वरहमल